यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था तो समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है, क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा, नाम मत लेने दीजिए। नहीं महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते, और मैं हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर नजीर बनी हुई है, 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं, 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे महीनों महीनों तक, मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हो? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं, और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमान जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा, कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक मायिक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी, हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है उसने नहीं करने दिया, और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है, और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं।